एक बार फिर से स्वागत करते हैं एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.7 से सवाल नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वाई बराबर दिया हुआ कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को वाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी सेकेंड अवकलन करना है और वाई के पदों में इसका आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं वाई के पदों में इसका आंसर। तो वाई के पदों में आंसर लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस वाई। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा होगा तो उसके अनुसार आप इसे ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन के जैसे लिख सकते हैं। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और इसका अवकलन हो जाएगा कॉस वाई, हो जाएगा माइनस साइन वाई, और फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अब क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रखेंगे, माइनस साइन वाई को इधर लाएंगे बाएं पक्ष में, तो जगह माइनस 1/ साइन वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप समझ रहे होंगे। अब 1/sin y को हम लोग लिख सकते हैं cosec y, डी वाई बाई डी एक्स चाहे तो हम बाएं पक्ष में लिखें बराबर माइनस 1/sin y लिखा जा सकता, माइनस cosec y। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद यक्स के सापेक्ष हम फिर से अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष जब हम फिर से अवकलन करेंगे तो इधर वाला हो जाएगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक वाई। एक्स के सापेक्ष जब अवकलन होगा दूसरा अवकलन तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक वाई का अवकलन होता है माइनस कोसेक वाई इंटू काट वाई, वो भी माइनस में होता है, ये माइनस में पहले से है और इसका भी अवकलन माइनस में होता तो ये हो जाएगा प्लस में, और फिर से y का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स। एक बार अब फिर से समझें, कोसेक का अवकलन कोसेक और काट दोनों होता है, लेकिन y का अवकलन फिर से करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स होगा ना। तो अब ये चीज़ आपका टोटली द्वितीय अवकलन इसका y के पदों में आ चुका है, द्वितीय अवकलन इसका y के पदों में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो इसको हटा सकते हैं आप यहाँ से, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक वाई काट वाई इंटू माइनस कोसेक वाई, यहाँ तक हुआ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई काट वाई, रहने दो, ठीक है ना, ये हुआ इसका आंसर, रहने दो भी। और यहाँ पर सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 भी कुछ स्पेशल सवाल है, और यहाँ पर दिया हुआ कि इसका सेकेंड अवकलन करके आपको इतना सिद्ध करना है। सवाल नंबर 13 में सवाल तो ये है और सिद्ध करके लाना आपको इतना, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ वाई टू क्या है, वाई वन क्या है, मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा। वाई टू का मतलब सेकेंड अवकलन, द्वितीय अवकलन, यानी डी टू स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाई टू का मतलब द्वितीय अवकलन, वाई वन का मतलब प्रथम अवकलन, वाई का मतलब बिना अवकलन का, यानी सेम क्वेश्चन ही, ये डायरेक्ट वाई का मान है। और वाई वन अगर है तो प्रथम अवकलन कर देंगे तो वो वाई वन कहा जाएगा, द्वितीय अवकलन कर देंगे तो वो वाई टू कहा जाएगा, यानी लास्ट का आंसर आपका यही है, यही आपको आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग अवकलन करते, पहला अवकलन करते इसका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जाएगा 3 कास का अवकलन हो जाता है माइनस साइन लाग एक्स इंटू लाग का हो जाएगा 1/x। अब इस तरह आ जाओ प्लस 4 साइन का अवकलन हो जाएगा कास लाग एक्स
इंटू लॉग का अपरन होगा एक बटा एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी बटे में एक्स है, यहाँ भी बटे में एक्स है ना। तो इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, सबका हर बराबर है तो बटे एक्स कर देंगे, तो माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, एक्स का इधर बाएं पक्ष में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, पहले अवकलन को वाई वन बोलते हैं, तो डिवाइड बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हो, पहला अवकलन, पहले अवकलन को वाई वन लिख देंगे, यानी एक्स वाई वन इक्वल टू आ गया माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स। अब एक बार और अवकलन कर लीजिए, एक बार और अवकलन कर लीजिए, ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी वाई वन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू, वाई वन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वाई टू, प्लस द्वितीय फलन यानी वाई वन इंटू प्रथम फलन का अवकलन एक्स का अवकलन करोगे तो एक हो जाएगा, एक्स का अवकलन एक बराबर माइनस थ्री साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स और प्लस फोर कॉस का अवकलन हो जाता है माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन एक बटा एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स वाई टू अब प्लस वाई वन इक्वल टू बटे में एक्स है, बटे में एक्स है तो होल अपान एक्स कर देंगे माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स और ये भी हो जाएगा माइनस फोर साइन लॉग एक्स, एक्स का गुणा इधर हो जाएगा बाएं पक्ष में, तो एक्स गुणा जब एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स वाई वन बराबर यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा थ्री, बचेगा थ्री और उसके बाद लिख देंगे कॉस लॉग एक्स तो प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया आपने तो प्लस हो जाएगा प्लस फोर साइन लॉग एक्स। आपको समझ में आ रहा होगा, अब ये जो मान लिखा मैंने बड़े कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर वाला मान किसका है, यहाँ देखो थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स यही ना है, ये किसका वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, तो इतने की जगह पर हम लिख देंगे वाई, यहाँ बड़े कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे वाई, तो जगह एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को बाएं पक्ष में लाया जा सकता है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन और प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हुआ हमारा आंसर और हमको यही सिद्ध करना था। बिल्कुल बहुत ही शानदार सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब एक सवाल और कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, सवाल नंबर 14 कर लेते हैं, सवाल नंबर 14 बहुत टॉप सवाल है, नंबर 14 इसी वीडियो के अंदर है, दिया है वाई इक्वल टू ए ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स, तो दर्शाइए कि, तो दिखाइए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, चाहे जैसे आ सकता है परीक्षा में, डी स्क्वायर वाई यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो, यह सवाल बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का अलग मेथड है, इसको सॉल्व करने का अलग ही मेथड है। हम इसका दो बार अवकलन कर देंगे, पहली बार अवकलन करेंगे तो dy बाई dx का मान आएगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे तो dy टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आएगा, दोनों मान निकाल करके इसके बाएं पक्ष में रखेंगे तो इसको दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, इस सवाल को हल करने का यही तरीका है, यानी आप इसका मान निकाल लो अलग से, इसका मान अलग से निकाल लो
फिर इसमें बायां पक्ष ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए इसका मान और इसका मान, उसको हल कीजिए। यदि राइट हैंड साइड के बराबर 0 आ जाता है तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी तरीके से करेंगे इस सवाल को। चलिए इससे चलते हैं। पहला अवकलन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई पे पावर एम एक्स इंटू ई पे पावर एम एक्स का, तो ई पे पावर एम एक्स होगा और एम एक्स का होगा एम, एम एक्स का होगा एम प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का होगा एन। तो यहाँ पर पहला अवकलन हो गया, और दूसरा अवकलन कर लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, लिखेंगे ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का होगा एम, और ये एम पहले से है तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का जब फिर से करेंगे तो हो जाएगा एन, और ये एन पहले से है तो हो जाएगा एन स्क्वायर। तो इसका मान निकल गया ये आ गया, इसका मान निकल के ये आया है, इसका और इसका दोनों मान हम इस लाइन के बाएं पक्ष में रखेंगे तो दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। स्क्रीन थोड़ी बहुत कंपन कर रही होगी तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, भूकंप नहीं आने वाला है हाँ। और ये मेरी पेन चलती है तो कभी कभी वाइब्रेट करती है। चलिए इसका वैल्यू ऊपर है ना, इसको रख दिया जाए ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम का स्क्वायर प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन का स्क्वायर, मैंने इसका मान रखा माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान ऊपर है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये वाली लाइन है, क्या है ब्रैकेट के अंदर ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन, ये हो गया। अब क्या एम एन इंटू आई प्लस एम एन इंटू वाई, वाई का मतलब प्रश्न ही, वाई का मतलब ये क्वेश्चन ही रख दो, ए ई पे पावर एम एक्स अब बी पे पावर एन एक्स, ए पे पावर एम एक्स प्लस बी पे पावर एन एक्स। चलो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ से, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ए पे पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर प्लस बी पे पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर माइनस, अब देखो ध्यान से, यम का गुणा हम इसमें जब करेंगे तो माइनस में होगा ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, यम का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो माइनस में होगा बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एम एन। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, यम एन है, ये यम एन है, जो थोड़ा सा ये लिखा मैंने ये यम एन है, गुणा हो गया। अब एन का गुणा करते इसमें, एन का गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम एन, और माइनस इसमें जब गुणा करेंगे तो बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, एम एन का गुणा इसमें जब करेंगे तो प्लस ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम एन, और प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एम एन की गुणा यहाँ जब होगा तो जाएगा एम एन। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, सब कट के गर्दा हो जाएगा, सब कट मर के जीरो हो जाएगा, कैसे देखो, प्लस का ए ई पे पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर प्लस में है, यही चीज़ तुम्हें माइनस में मिल गई, कट गया, और ये चीज़ देखो प्लस में है एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स और बी, यहाँ पर भी है एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स और भी माइनस में है और ये प्लस में भी ख़त्म। अब इसको ढूंढ लो, एम एन माइनस बी और एम एन माइनस बी एम एन प्लस बी एम एन ई पे पावर एन एक्स, देखो इससे ये कट गया और ये बचा है तो इससे कट गया, जब सब कुछ कट गया तो बराबर कितना आया, बराबर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा।
और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से इस सवाल को बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से, आसान से स्टेप में मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप भी इस सवाल को एक दो बार अपने रफ पर बिना देखे हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, फिर आएंगे अगली वीडियो में अगला सवाल लेकर के। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए।